हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अब्दुल हनान और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि पबजी मोबाइल जो गेम है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर गेम क्यों है, लोगों का ये क्यों इतना ज़्यादा फेवरेट गेम है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया और दूसरी कंट्रीज में ये गेम बहुत ज़्यादा खेला जाता है, तो इसके क्या रीज़न है और ये क्यों लोगों को बहुत पसंद है तो जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स बी गेम। तो पबजी मोबाइल की बात करें तो पबजी मोबाइल इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस गेम है क्योंकि आज के टाइम पे मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हर कोई मोबाइल फ़ोन आज के ज़माने में यूज़ कर रहा है और पबजी आराम से लोग डाउनलोड करके खेल सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई इतना हाई एंड मोबाइल भी नहीं चाहिए, आपको एक हाई एंड स्मार्टफोन नहीं चाहिए, आप इसको ईज़िली बजट फ़ोन पर भी खेल सकते हैं। आज के टाइम पर बात करें तो आप इजीली 15-16 हज़ार के बजट के फ़ोन में इस गेम को खेल सकते हैं, मीडियम सेटिंग में चलेगी और अगर आप थोड़ा अपना बजट बनाएं तो ये हाई सेटिंग पर भी चल जाती है। तो ये गेम हर किसी के पास है और हर कोई इस गेम को एक्सेस कर सकता है क्योंकि मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास है, तो यही वजह है कि ये गेम इतना ज़्यादा फेमस है। तो जो पबजी मोबाइल के फेमस होने की जो दूसरी वजह है वो ये कि ये बिल्कुल फ्री गेम है। पबजी मोबाइल मोबाइल पर बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इसके दूसरे वर्जन की बात करें जो PC, Xbox One और PS4 पे है तो उस पर ही आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेगा, आपको बाय करना पड़ता है PC और कंसोल में, तो इसकी प्राइस लगभग $30 के आसपास होती है। लेकिन कंसोल में तो इसमें और भी खर्चा है क्योंकि कंसोल में आपको मल्टीप्लेयर खेलने के लिए सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, PS4 में आपको PS Plus की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है और Xbox One में Xbox Live की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। लेकिन PC में एक दफ़ा आप इसको बाय कर लें तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी नहीं पड़ती। लेकिन मोबाइल में देखा जाए तो मोबाइल में गेम टोटली फ्री है, बस आपको प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है और आप इसको इजीली खेल सकते हैं। यही वजह है कि इसके इतने ज़्यादा डाउनलोडर हैं और इसको बहुत ज़्यादा लोग खेलते हैं। तो पबजी मोबाइल हार्डकोर गेमर तो खेलते ही हैं, लेकिन इसके अलावा कैजुअल गेमर भी पबजी की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। अब पहले देखा जाए तो मोबाइल पर ज़्यादातर लोग सबवे सर्फर, कैंडी क्रश जैसी गेम्स खेलते थे और आज भी खेलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पबजी पे शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि पबजी में एक तो आपको गेम प्ले बहुत अच्छा मिलता है और इसके अलावा जो इसका एक बड़ा फीचर जो कैजुअल गेमर को बहुत ज़्यादा पसंद आता है वो ये कि आप एक टाइम पर चैट कर सकते हैं, यानी आप गेम तो खेल ही रहे होते हैं साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स का चैट भी कर सकते हैं। तो ये फीचर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्यों, एक टाइम पर आप अपने फ्रेंड के साथ गेम भी खेल सकते हैं और साथ ही साथ उनसे बात भी कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। जो कैजुअल गेमर हैं वो भी पबजी को खेलना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर गेम्स। पबजी मोबाइल के फेमस होने की जो एक और बड़ी वजह है वो ये कि इसका जो कंसेप्ट और गेम प्ले है वो बहुत ज़्यादा यूनिक और मज़ेदार किस्म का है। तो जब ये गेम रिलीज़ हुआ था तो उस टाइम पे मोबाइल पे ऐसे गेम नहीं आते थे, तो ये जब गेम आया था तो लोगों को इसका कंसेप्ट बहुत पसंद आया था। बेसिकली ये 100 प्लेयर बैटल रॉयल गेम है जिसमें 100 प्लेयर को एरोप्लेन के थ्रू एक जगह पे भेज दिया जाता है जहाँ आपस में आपको लड़ना होता है और जो सर्वाइव करना होता है, और जो आखिर तक सर्वाइव करता है वो इस गेम का विनर होता है और उसको विनर चिकन डिनर मिलता है। तो ये कंसेप्ट लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया और इस वजह से ये ऑटोमेटिकली लोगों का फेवरेट गेम बन गया। तो आखिर में देखा जाए तो पबजी मोबाइल एक अच्छा गेम है, एक बेहतरीन किस्म का टाइम किलर और एक एडिक्टिव गेम है। ग्राफिक के मामले में देखा जाए तो एक ग्राफिक के मामले में एक बहुत कमाल का गेम है। हाँ, PC और कंसोल के अलावा ग्राफिक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर मोबाइल के हिसाब से देखा जाए तो मोबाइल गेम के हिसाब से ग्राफिक बहुत अच्छे हैं। और वैसे भी जो गेमर होता है, जो एक प्लेयर होता है, वो ग्राफिक ज़्यादा मल्टीप्लेयर गेम्स में गेम प्ले में फोकस करता है और गेम प्ले के मामले में पबजी वन ऑफ द बेस्ट गेम है। तो अगर आपने गेम पहले खेला हुआ खेलते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि गेम आपको कैसा लगता है और आपके कितने बड़े फ़ैन हैं। तो यार बस आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आई है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को कर लें लाइक, कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट करना हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।